एडसेंस अप्रूवल करवाना जो है ये वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको अप्लाई करते हैं तो ना तो आपका कभी रिजेक्शन होगा और विद इन टाइम फ्रेम जो है वो आपका अप्रूवल भी हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इसी तरीका का एक पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, जहां पे एक ऐसा डोमेन जो हमने जो है 8 मई को रजिस्टर किया था, यानी कि अभी जो है उसको 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, नया डोमेन है और उसके ऊपर जो है 15 दिन हमने काम किया। 15 दिन के बाद में जो है 23rd of May को हमने जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करा और अभी जो है हमारा 8th of May को जो है उसका अप्रूवल भी हो गया। अब ये जो है मैं आपको सिर्फ बातें नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि क्या डोमेन था, कब बुक किया गया है और कब कहाँ पे कैसे क्या ये अप्रूवल हुआ। अगर आप भी कोई भी एडसेंस अप्रूवल करना चाहते हैं या आप जो है आगे काम करना चाहते हैं, किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अर्निंग करना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई डोमेन है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स हमने फॉलो किए जिसके चलते 1 महीना भी पुराना डोमेन नहीं है, यानी कि नए डोमेन के ऊपर में भी विदाउट एनी रिजेक्शन हमें एडसेंस अप्रूवल कैसे मिला। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। आगे बढ़ने से पहले जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊं, उससे पहले आपको एक चीज मैं बताऊंगा, जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसको देख के मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो चलना तो पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर आप ये सोचे कि कोई दूसरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो मैं उसमें क्या कर पाऊंगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अपने ऊपर बिलीव करो, आप अपना हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको भी चांस मिल जाएगा आगे आने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के पूरा आपको दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा डोमेन जो कि है rajasthanindia.com और ये डोमेन जो है आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास डोमेन है राजस्थान न्यूज इंडिया और ये जो है 8 मई 2024 को ही रजिस्टर किया गया है, राइट। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ कि यहाँ पे ये नया डोमेन है जिसको अभी 1 महीना भी काम करते हुए कंप्लीट नहीं हुआ है। इस डोमेन के ऊपर में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक वर्डप्रेस की थीम डाली है और वर्डप्रेस की थीम डाल के हमने इसको पूरा प्रोफेशनल तरीके से जो सिस्टमैटिक अपडेट किया है और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ न्यूज इससे रिलेटेड ये आपका डोमेन है। तो इसके ऊपर में हमने जो है 15 दिन काम किया और रेगुलर जो है ये अपडेट हो रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ जो है ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो गया और 15 दिन काम करने के बाद हमने इसका एडसेंस के लिए अप्रूवल डाला और 23 मई को जो है हमने यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल के लिए डाला। और उसके बाद जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 28 मई को जो है हमारे पास जो है ये एडसेंस की तरफ से एक मेल आ जाता है जहां पे लिखा हुआ गुड न्यूज योर साइट rajasthanindia.com इज रेडी टू शो योर एडसेंस एड्स। तो यू कैन सी बहुत ही सिंपल तरीके से 1 महीना पुराना नहीं है डोमेन, फिर भी जो है अप्रूवल हो चुका है। अब इसके पीछे क्या करना होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे पास में अप्रूवल्स नहीं हो रहे हैं। अप्रूवल करने के लिए देखो, अब मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाया कि नया डोमेन है तो यहाँ पर हमने क्या क्या जो है काम किया। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। पहला जो स्टेप है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोमेन आपका नया है या पुराना है, लेकिन जो आपका मेन जो आपका इस पे एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए आपके पास आता है वो तो आता है सबसे पहले आपका प्रोफेशनल, आपका जो भी प्रोफेशनल कंटेंट होना चाहिए और जो आपकी थीम वगैरह तो वर्डप्रेस के अंदर काफी सारी मिल जाती हैं, प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ आपका कंटेंट होना चाहिए। यानी कि कंटेंट को हमेशा हम क्या बोलते हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे बोलते हैं कंटेंट जो है वो आपका क्या है, किंग है। इसलिए कंटेंट के ऊपर में आपने काम करना है और दूसरा काम क्या करना है, कंटेंट में ऐसा पावर होना चाहिए जिसकी वजह से उस पे ट्रैफिक जनरेट हो जाए। अगर आप जो है कुछ ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर में, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कोई भी सिमिलर वेब पे चलते हैं तो अभी आई थिंक इसके ऊपर में कोई ट्रैफिक आपको दिखेगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ये इसमें डिटेक्ट भी नहीं हुआ। यू कैन सी यहाँ पे अभी भी 0 बता रहा है, यानी कि ट्रैफिक ना के बराबर है, बट स्टिल क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा गया है प्लस बहुत अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है प्रोफेशनल तरीके से और जो कंटेंट है
वो रेगुलर, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन या दो दिन अपडेट किए रही है और उसके बाद एडसेंस के लिए अप्रूवल डाला। जब से हमने डोमेन को रजिस्टर करा, रेगुलर बेसिस के ऊपर में इसमें अपडेट किए जा रहे हैं, राइट। कुछ हो सकते हैं दिन जिसमें अपडेट ना हो, लेकिन रेगुलर जो है इसके अंदर अपडेट आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ट्रैफिक जो है वो जनरेट हुआ, क्योंकि हमने इसको सोशल मीडिया के जरिए। अब ट्रैफिक कैसे जनरेट करना तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो है सोशल मीडिया के ऊपर में जो है आपके अकाउंट्स होने चाहिए सिमिलर, और वहां से जो है आपने इसको आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो हमने जो है इसका काफी सारे काम किए, लाइक हमने इसके ऊपर में इसके लिए जो है YouTube चैनल बनाया है राजस्थान न्यूज इंडिया के नाम से, अगर आप भी जो है फॉलो करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका हैंडल है @RajasthanNewsIndia, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने इसको जो है जो भी हमारे सोशल की मीडिया की प्रोफाइल लाइक इंस्टाग्राम है, फिर उसके बाद में जो है फेसबुक है, देन उसके बाद में हमारे पास में है ट्विटर है, राइट। तो ये हमने कुछ ऐसे 3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जहां से ट्रैफिक जो है वो जनरेट किया जा रहा है। तो आप भी जो है अगर ऐसा कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर में आप चाहते हैं कि एडसेंस का अप्रूवल हो, तो डेफिनेटली अप्लाई करने से पहले आप एक बार अगर हमारे साथ शेयर कर देंगे तो हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये बता देंगे कि देखकर एनालाइज करके कि आपका ये जो वेबसाइट है वो वाकई अप्रूवल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, वो भी हम यहाँ पे गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से देने वाले हैं। तो यू कैन सी अगर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा कुछ काम करने की जरूरत नहीं, हमने कोई बहुत बड़ा SEO यहाँ पे नहीं किया हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं SEO वगैरह करना पड़ता है, नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपका एक टास्क एक प्रोसेस है, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं एक महीने के अंदर कोई SEO का रिजल्ट नहीं आता है। जो लोग SEO में काम करते हैं आई एम श्योर उनको पता है कि उनके एक महीने के अंदर SEO का रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपका एडसेंस अगर अप्रूवल हुआ है और जिसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं हुआ, राइट, तो आप देख सकते हैं विद इन 5 days जो है ये हमारा अप्रूवल जो है वो हमें मिल चुका है। अगर आप भी अपना अप्रूवल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि गाइस ये आपको जो प्रैक्टिकल चीजें मैं दिखा रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल चीजें दिखाने में, तो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ उसके ऊपर में आपको बिलीव करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो उसके लिए चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली गारंटी मेरी है कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो चैनल पे और ये कॉन्टेंट हमारा आपको पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलता हूँ एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।